نعم عليك يا بردي. مرحبا اختر ميلادي. چلیے میں تیار ہوں، سب کی سب تیار ہے، چلیے بیٹا اندر کو پورن کروائیے جلد سے جلد. چلو چلو بھابیا بہو دلائے سنگ میں جائیے گا ڈاکو میلا بکسر کے پاس ہے مہیما یہ ڈولے سنو ہماری بات ہے چلو چلو بھابی भाकुरवा महाराज सब के सब तैयार है। तैयार है, तैयार है। मुंगिया बाली सब आ गई है। सब आई तो सबको सब तैयार होकर उदल के साथ मेला बक्सर के चलो, बक्सर के चलो, बक्सर के चलो। नैना बाली आज तुम बम भोले की एक नचारी गाओ ताकि मैं नशा पीकर झूमूंगा। नहीं देवरी टाइम नहीं है। ठीक है तो अब उदल सिंह मेला बक्सर में उपस्थित है। राजा महाराजा लाइन लाइन से खड़े हो गए हैं। उदल महाराज की जय, उदल महाराज की जय। भकुरबा झंडा के झुला दो, झंडा झुला दो। ये बोलो बम की नारा है बाबा एक सहारा है। बोलो बम की नारा है भाकुरबा महाराज। हर हर महादेव आप नहीं बोले हैं जो होगा होगा महादेव। हर हर महादेव कहो। ओ हमको सुनने में धोखा हो गया है। हर हर महादेव कांधा के नहा दे। भोले बाबा का नारा लगाओ। बोला बम की नारा है भाभी एक सहारा। आप कहते हैं बोल बम के नारा है, मैं कह रहा हूँ भाभी जी एक सहारा है। कैसे? लोहा या शस्त्र की लड़ाई में उदल देवा अपने तीर कमान गोली गेठा राइफल लगा तैयार रहते हैं। जिसमें जादो की चक्की चलती है भाभी जादो लेकर तैयार रहती है। इसलिए आप कहते हैं बोल बम की नारा है, मेला में भाभी सहारा। सही बात, सही बात, सही बात। दही भात, दही भात, दही भात। चुप रहेगा भकुरबा, दही का शब्द नहीं बोलेगा, समझा? नैना वाली कहिए ना। जाओ नौ बिघा में तम्बू को सजवा दिया हूँ। अच्छा, तुम उसमें जाकर आराम करेगी। ठीक है। मुंगिया, मुंगिया वादी कहिए बाबूजी। आज मेरी भाभी जी अपने हाथ से खाना नहीं खाएगी। महाराज, महारानी अपने हाथ से खाना नहीं खाएगी, दोनों हाथ कट्टे गिर गया है। भकुरबा, रे उदल का जवानी का कदर है और राज दरबार का शौक है, शौक है, शौक है। समझ गए महाराज। आपको कहना क्या है महाराज? भाभी जी मेरी अपने हाथ से खाना नहीं खाएगी। फूल कुमारी बोलेगी? हाँ महाराज, नहीं खाएगी महारानी। तुम जाओ उसे अपने चरण चापते रहना, चरण चापते रहना। ठीक है महाराज। चलो यहाँ तुम क्या है महाराज जी?
तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम जाकर चाय बनाकर मेला अवसर में मेरी भाभी के पिलाते रहना, पिलाते रहना, पिलाते रहना। चलो चलो चलो, जाओ देवा। भाकुरबा महाराज, अब मैं तमुख से लौट कर आ रहा हूं। जब लड़ाई जारी हो जाएगी मेला अवसर में, मुझे खबर कर देना, खबर कर देना। जाइए महाराज, यहां को लिए फिक्र नहीं कीजिए आप। यही बक्सर मेला है, देखो छत्री लोग लाइन लाइन से तमुख दान करके इंतजार कर रहे हैं पंडा जी को। कब आएंगे पंडा जी, कब आएंगे पंडा जी। मेला की जात्री लोग कान खोल के सुन लीजिएगा, सबसे ऊंचा झंडा मेरा रहेगा, दुनिया बालों की नहीं, नहीं तो डंडा चार्ज कर देंगे। सबसे पहले भोला अपा जल मेरी माँ ढारेगी, तब कोई ढार सकती है। सबसे पहले मुरन मैं कराऊंगा, उसके बाद कोई करा सकता है। हाँ भाई मेरा को जात्री कान खोल करके सुन लीजिए, सबसे पहले भोला बाबा पर जल महारानी सोना ढारेगी, सबसे पहले मुरन बाबू इंदल सिंह का होगा, सबसे ऊंचा झंडा राज मोहब्बा को रहेगा, अगर कोई कानून का उल्लंघन किया तो खाल खींच करके भूसा भर देंगे और धन भी सरकार लगा देंगे। मैं देख रहा हूँ लाल पत्ता का सबसे ऊंचा किया है, मैं अपनी शान से नीचा करता हूँ, अपना झंडा ऊंचा फहरा रहा हूँ। भाई एक बाबा जी का बेटा आकर के झंडा उखाड़ दिया, खैर कोई बात नहीं, बच्चा का खेलने का स्वभाव होता है, मैं अपना झंडा गाड़ लेता हूँ। फिर तुम झंडा गाड़ दिया, मैं अपना साल से नीचा कर रहा हूँ। ए बाबा जी का बेटा, ये बताओ तुम झंडा किसको ऑर्डर से उखाड़ रहे हो? अरे मैंने शान से उखाड़ता हूँ। क्या कहा, तू अपना शान से उखाड़ रहा है? ठीक है, मैं अपना झंडा गाड़ता हूँ, तुम में कितना हिम्मत है झंडा उखाड़ कर? क्या तुम गाड़ के देख ले? मैं गाड़ रहा हूँ, तू उखाड़ करके देख पहले। ए छोकरा, ये बताओ तुम झंडा पॉकेट में क्यों रख लिया? अरे शान से रखा। बोल तुम कहां की रहने वाले हो, किसका पलटन हो? मोहब्बा निवासी उदय चंद्र, जिसे दुनिया वालों डाकू दल कहता है। जिस उदला को मैंने जंगल में पछाड़ा और बाया बाह तोड़ दिया, हरी लगे छोकरा, छोटी मुंह और बड़ी बात बकवास करना छोड़ दे, मेरे महाराज को इस संसार में कौन पछाड़ने वाला? मैंने पछाड़ा। बोल तू क्या चाहता है? तुम क्या चाहते हो? चल मरने के लिए तैयार हो, तैयार हो जाओ। We'll be right back.
के अपने मालिक के खबर कर टेंट तोड़ दिया है, जो चार बजरा मारा है। जाओ जल्द जाओ जल्द जाओ। महाराज की जय हो। क्या बात हुई है महाराज? एक बाबा जी को बेटा आकर के पूरा मेला में तहलका मचा चुका है। मेरे नाम के विषय में नहीं सुनाया? जी हाँ, हमको पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो। अच्छा, मैंने उत्तर दिया मोहब्बा निवासी उदय चंद्र राय, जिससे दुनिया वालों डाकू उदल कहता है। तुमने सच कहा सच कहा सच कहा। ओ छोकरा बोल गया, राज्य सूदला को जंगल में पछाड़ कर कब्जा तोड़ा वो उदला है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ रण में, गोदिया में थाम लेंगे मेला बक्सर में। रे कौन यार बमदता करेगा छोकरा तो, रे संगे संगे आती है है, जो मैंने सुन ख्वाब देखा। महाराज, आपको भागने का कारण देख करके मेरा दिल में यह उत्पन्न होता है कि वो बालक आपको सही में पछाड़ कर कब्जा तोड़ रहा है। तुम जाएगा या नहीं बोल। ठीक है, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बहू बाबू? कहाँ जा रहे हो? चल बैठ के तमाशा देख। बोल रे नाका बच्चा, तुमने झंडा क्यों उखाड़ा? झंडा मैंने शान से उखाड़ा, ताकत से उखाड़ा। ये मोहब्बा का नाम नहीं सुना? आगे बार और साथ साथ डाकू दल का नाम नहीं सुना? क्या रे उदला, मैंने जंगल में पछाड़ा, बाया बांह तोड़ दिया, हरिन लेके चल दिया, वही उदला हो,
एक मेरी नगरी मोहब्बा और एक डाकूदल डाकूदल। ओ ऐसा ही वो था, 6 गज चौड़ा 9 गज लंबा, ऐसा ही मोछ वाला था वो। ए, 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 छोकरा मरेगा तू हाथ अभी कस के। हम ये पूछते हैं हमारे महाराज को मोछ तू कहे उखाड़ता है? लोग देखेगा तू क्या कहेगा, तू महाराज को मोछ उखाड़ता है? भाकुरबा मोछ नहीं उखाड़ो, नहीं तुम फाट से मारेंगे। क्या रे तुम? सुन लो, इस नाग बच्चा की आयु समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई है, समाप्त हो गई है। तलवार लाओ, 2 टुकड़ा कर दूंगा। तुम क्या चाहते हो? चीर दूंगा, खून पी जाऊंगा, मोहब्बत चल दूंगा, चल दूंगा, चल दूंगा। चल मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहा उदला जाओगे कहा? रे कभी रे कभी तो फंसोगे डरने बप्पा को, तो हमारे जाओगे मेरे हाथों से। नहीं भागता तो कब न कब धर्मराज घर में पहुंच गए होते। भैया जी उदल भैया, आज मैं सुन लिया, तू अपने हाथ के तलवार ले आओ, मैं देखता हूँ वो बालक कहाँ का है, कैसा बालक है जिसके भय से भाग रहा है। भैया मलखा, उसे आप जिंदा लाएंगे, जिंदा लाएंगे, मार कर नहीं लाएंगे। अत्याचारी बालक को गोद में डालूंगा, खून पी जाऊंगा, मोहब्बत चल दूंगा, चल दूंगा, चल दूंगा। उस बालक के तुमको सामने मैं जिंदा हाजिर कर देता हूँ। प्रणाम भैया जी। खुश रहो उदल। जा रहा हूँ, 100 बोतल दारू पीकर रेडी रहूंगा, रेडी रहूंगा। क्या रे तापस के बालक, इस मेला बक्सर में शोर हंगामा मचाने वाले तुम ही हो? आपका शुभ नाम क्या हुआ? रे मैं सिरसा निवासी हूँ, दुनिया बालो मुझे मलखा कहते हैं, मलखा कहते हैं। मलखा सिंह, मेला में किस लिए आना हुआ? अरे बालक, जैसे मुझे पता चला है कि एक तापस का बालक शोर हंगामा मचा रहा है, मैं तुमको सिर्फ समझाने आया हूँ बालक। मचाने वाला याद आता है तुम्हें मचा लेता हूँ। मैं समझ गया बालक, अरे कुछ जीना है जिंदगी में, अपने माँ की गोदी में खेलना है बालक, तो यहाँ से जान बचा कर भाग जाओ। क्या माँ?
तुम नहीं तो क्या ये मेला बक्सर का जनता भगेगा, तुमको भागना होगा नहीं तो 2 मिनट में रिजल्ट आउट करूंगा मैं तुमको। चलो तुम क्या चाहते हो? मैं यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों मैं चले जाऊँ? तुम चले जाओ। ज्यादा तुम कलाम पर जोर नहीं करो, चलो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। ठीक है चलो। गिर गया मेरे हाथ से। आप तुम कुछ कर सकते हो? मेरे हाथ में 70 साल का सोटा नहीं रह गया। खबरदार भैया जी खबरदार, कोई है या बब्बे टाइए फूल दो मिलके भैया हो। होई है या बब्बे टाइए भैया फूल दो। भैया मोहब्बा नगरिया, हो मोहब्बा नगरिया के माटी भारी हो। मोहब्बा नगरिया बड़ी न मेरी हो। तुम कहाँ के रहने वाली हो? कौन हो जो आज मुझे मेरा बक्सर में तुम भैया कह रही हो? भैया जी आप मुझे नहीं पहचानते हैं? मैं कैसे पहचानूं? बदन पर वस्त्र नहीं है, बिल्टूनी का रूप है तुमको। मुझे क्या मालूम है, मैं क्या जानता हूं कि तुम कौन हो? भैया जी मोरंगा नगर में ओ नैहर में एरी लगती, ओ मोहब्बा नगरिया में भैया जी सास मेरी हो। ओ मोहब्बा नगरिया में भैया सास मेरी लाई।